तो दीपांशु, वेलकम टू आईपीएल 2022। आईपीएल में पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं फॉर डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड हाँ बिल्कुल, आईपीएल में तो मैं देख रहा हूँ कि अब ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा मेरा, बट हाँ बहुत टाइम बाद आपके चैनल पे आया हूँ मैं। और आईपीएल में किस वजह से अभी इंटरेस्ट जाग उठा है जो आपने डिसाइड किया कि कुछ आईपीएल की बातें की जाए? मेरा इंटरेस्ट वैसे तो बेसिकली एक जो मेजर इंटरेस्ट है वो सिर्फ इस वक्त मुंबई की जो स्ट्रीक है, जो मुंबई का जो अमेजिंग स्ट्रीक बन रही है उसके रिगार्डिंग बातचीत करने का मन कर रहा है कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना रही है मुंबई जो आने वाले फ्यूचर में कोई नहीं बना पाएगा। ओके, तो वो लूजिंग स्ट्रीक ऑफ मुंबई एग्जैक्ट 8-0। 8-0, ये तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कभी रेसलमेनिया में अंडरटेकर की स्ट्रीक को कहा जाता था, 10-0, 11-0, ऐसे लग रहा है कि अब क्या क्या मुंबई 14-0 बनाएगी इस आईपीएल में? मुझे वैसे तो मुश्किल है क्योंकि आई थिंक रोहित शर्मा किसी ना किसी मैच पे तो जितवा ही देगा, पर हाँ मैं चाहता जरूर हूँ कि एक बार ही ऐसा कारनामा हो जाए कि बस ये आईपीएल अलग ही रीजंस के वजह से याद करा जाए ये वाला। वैसे रोहित, मुझे लग रहा है दो ऐसे रिकॉर्ड बनाएंगे जो शायद टूटेंगे नहीं। एक तो जो 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती है वो रिकॉर्ड भी शायद कोई कप्तान नहीं तोड़ पाएगा, और ये लूजिंग स्ट्रीक का रिकॉर्ड भी। अभी तो 8-0 है, अभी तो ये कॉन्टिन्यूड है। मेरे ख्याल से 2-3 मैच तो और हारेंगे, 10 डबल फिगर्स में तो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत सारी जगहों पे बात चल रही है कि क्या ये लोग क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे प्लेऑफ के लिए। नहीं, मुझे अब तो तो लग रहा बाहर है अब, है, अब तो कोई चांस ही नहीं। हाँ अब तो कोई चांस ही नहीं, अब तो क्योंकि अभी एटलीस्ट 10 मैच तो हारेंगे ही हारेंगे, अभी ये 8 हार चुके हैं, एक दो तो हारेंगे बाकी बच्चों में। वैसे मुझे इसमें एक पॉजिटिव बात भी लग रही है, हो सकता है रोहित अपनी विन्स को कंजर्व कर रहे हो वर्ल्ड कप के लिए, कि यहां मैं सारे हार जाता हूं तो वर्ल्ड कप में मैं जीत के दिखाऊंगा एज ए कैप्टन। इंटरनेशनल मैचेस में तो अनबीटन स्ट्रीक चल रही है जब से फिर से कैप्टन बने हैं, सो मे बी वर्ल्ड कप अच्छा जाएगा। शायद सारा जो हारना है वो इसी आईपीएल में चल रहा है रोहित का। तो ये जो अब इतनी बुरी तरह मुंबई हारी है, क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजंस हैं आपके अकॉर्डिंग? हाँ बिल्कुल, एक तो जब आपने बात कही कि कंजर्व कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि फिर कहीं अंबानी नाराज हो जाए रोहित शर्मा से कि भाई सारे मैचेस तुम यहीं हार रहे हो, इंडिया के साथ जीत रहे हो मतलब मैंने कौन सा गुनाह किया है। बट हाँ ये चीज है, मुझे जो कुछ रीजंस लगते हैं वो ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो बैटिंग ऑर्डर जो है इनका, जो टीम है उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, वही जो बैट्समैन फेल हो रहे हैं लगातार। ईशान किशन ने कभी शुरू का आई थिंक 3rd मैच था मुंबई का जिसके अंदर उन्होंने एक हाफ सेंचुरी बनाई थी, 54 रन मारे थे, उसके बाद से ईशान किशन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों रोहित शर्मा भी कुछ इंस्पिरेशनल इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। और आप देखेंगे ईशान कि अभी ईशान किशन के लिए ही मैं भी कहना चाहूंगा कि ईशान किशन ने तो बिल्कुल लुटिया डुबो दी मुंबई की। मेरे अकॉर्डिंग तो जो मेजर रीजन है जिस वजह से मुंबई हारी है बुरी तरह, ये ईशान किशन है। क्योंकि एक प्लेयर जब रन नहीं मारता तो अलग बात है, चलो तब तो वो इंडिविजुअली फेल हो रहा है, बट जब वो T20 में स्लो खेल के आउट हो तो वो बाकी प्लेयर्स पे, बाकी बैट्समैन पे भी इतना प्रेशर बना देता है कि बिल्कुल टीम के लिए उभर पाना मुश्किल हो जाता है। तो करेक्ट, ईशान की स्लो बैटिंग की वजह से दूसरे एंड पे रोहित पे भी प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा जो आगे आने वाले बैट्समैन हैं उनके लिए भी फिर रन रेट को अप करने का भी प्रेशर होता है, उन्हें थोड़ा सा सेट होने का टाइम नहीं मिलता। पहले से ही उनके दिमाग में यही होता है कि ऑलरेडी बॉलें वेस्ट हो गई है, हमें थोड़ा तेज मारना है। और मुझे लग रहा है अपने साथ साथ वो 1-2 विकेटें तो हर मैच में ईशान किशन भी खा रही है प्लेयर्स की, तो इससे डबल प्रेशर पड़ रहा है। एंड ईशान हैज प्रूवन टू बी द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट फॉर मुंबई। 15.5 करोड़ के वो बिके है अगर आपको पता हो, और मैं कुछ देख रहा था उनके बारे में, मीम्स बन रहे थे कि एक एक रन 8-8 लाख रुपए का पड़ रहा है मुंबई को। हाँ और हाँ
स्ट्राइक रेट भी मतलब 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं होता इनिंग में। सही में मतलब ईशान किशन मतलब जो पिछले आईपीएल के बाद इनका बिल्डअप जो हुआ था कि भाई बड़ा प्रॉमिसिंग प्लेयर है, वो सब फुस निकले। मुझे तो, मैं तो आपको एक एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे तो ईशान किशन को देख के ना, जो पहले ये हुआ था कि थोड़ा लग रहा था कि भाई बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग बैटिंग टैलेंट है, मुझे तो इसकी शक्ल भी थोड़ा सा ऐसी लगती है जैसे एक वो यंग विराट कोहली था, जैसे थोड़ा थोड़ा उसकी जैसा लगता है मुझे। बट वो ये यंग विराट कोहली वाली बात नहीं है, इसके अंदर बैटिंग एबिलिटी नहीं है यंग विराट कोहली वाली। हाँ बिल्कुल, ईशान ने बहुत डिसअपॉइंट किया। ईशान को पृथ्वी शॉ से सीखना चाहिए। पृथ्वी शॉ की गेम देखो, बॉल बिल्कुल वेस्ट नहीं करता। तो हालांकि पृथ्वी शॉ भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है, पर यह है कि उसकी वजह से टीम हारती नहीं आई। जब उसने रन नहीं मारने, आउट होके अपना चला जाएगा, जब मारेगा तो ताबड़तोड़ मारता है 20 बॉलों पे 40 रन, और नहीं मारे तो भी जल्दी आउट होके चला गया, मान लो 8 बॉलों पे 13 रन, 10 बॉलों पे 18 रन। तो ये एक शॉर्ट केमियो इनिंग्स भी हो जाती है जो टीम को मोमेंटम दे देती है। और यहाँ पर ईशान किशन बिल्कुल हरवाने वाली गेम इसने खेली है पूरे आईपीएल में, और सिर्फ आईपीएल ही नहीं, इससे पहले भी मैं देख रहा था जब इंडिया के लिए भी इसको मौके मिल रहे थे एज ओपनर्स, इसमें भी ऐसे ही कर रहा था, बिल्कुल स्लो खेल रहा था कई मैचेस में। तो अब इससे दूसरे एंड पे भी प्रेशर आता है कि हमें अगर ऐसा ही प्लेयर चाहिए हो तो हम पुजारा से ओपनिंग करवा लेते हैं। पुजारा काउंटी में बहुत अच्छा खेल रहा है, ससेक्स के लिए खेल रहा है, एक डबल सेंचुरी मारी है, एक सेंचुरी मारी है। तो पुजारा अपनी दिखा रहा है फॉर्म, अपनी मेहनत कर रहा है पुजारा कि भाई मुझे इंडियन टीम में एक और मौका मिलना चाहिए। पर हाँ, हम मुंबई इंडियंस की बात कर रहे थे, तो ईशान किशन ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया। और इसके अलावा फिर रोहित शर्मा की कप्तानी, बल्लेबाज के तौर पर तो फेल रही है, पर रोहित की जो कप्तानी भी रही वो भी डिसअपॉइंटिंग रही, क्योंकि काफी रिजिड कैप्टन नजर आए, कोई चेंजेस ही करने को तैयार नहीं, ना ईशान किशन को टीम से बाहर बिठाने को तैयार, ना बैटिंग ऑर्डर चेंज करने को तैयार। पोलार्ड, जिनका वक्त अब हो चुका है, साफ साफ पता लग रहा है पोलार्ड भी कोई 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता, बिल्कुल ही हर मैच में फेल, पर फिर भी पोलार्ड को बाहर बिठाने को नहीं तैयार। क्या कहना, पोलार्ड ने तो खुद अपनी रिटायरमेंट भी, इंटरनेशनल रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी है पोलार्ड ने, कि अब वो आगे इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। तो अब तो ये साफ दिखता है कि अब वो प्लेयर डाउनहिल जा रहा है, और डाउनहिल भी ऐसा जा रहा है कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म वाला। तो बिठाना चाहिए बाहर किसी और बैट्समैन को, ट्राई करें कुछ और कॉम्बिनेशन। सूर्य कुमार बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और इनके एक और है तिलक वर्मा, इनके बैट्समैन है वो, बहुत अच्छी फॉर्म में है, वो लोग काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर हाँ, ये पोलार्ड भी हैं, और फिर एक मुझे रीजन और लगा कि काफी एक्सपर्ट जो है वो इंटरनेट पे कंपेयर कर रहे हैं कि वो 2012 और 2014 में भी मुंबई के साथ ऐसी हुआ था, और ये 5-5, 6-6 मैच हार गए थे लगातार, और फिर ये कम बैक करके उन्होंने ट्रॉफी जीती थी। अब तो नहीं कर सकते, अब तो 8 हार गए ना, अब तो कोई चांस ही नहीं प्ले ऑफ में आने का। अब तो बिल्कुल भी चांस, अब तो रिकॉर्ड है, अब तो इस रिकॉर्ड को और स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये एक अनअचीवेबल रिकॉर्ड बनाना है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम इतने मैच कभी भी आईपीएल के फ्यूचर में भी कभी हारेगी, इतने ज्यादा मैचेस। पता नहीं, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ और ही बात तो नहीं है कहीं, क्योंकि इतने मैचेस तो बेसिक से बेसिक टीम भी एक आधा मैच तो जीत ही जाती किसी तरह से। आई डोंट नो कि ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा बैड लक, या ये कुछ और है, कुछ पता नहीं। वैसे मुझे लगता है कि अब अगर ये ईशान को खिलाए तो शायद अब ईशान अच्छा खेल के दिखा सकता है, क्योंकि अब टीम हार गई है ना, पूरी तरह टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। सो नाउ देयर इज नो प्रेशर, एंड अब ईशान मार के दिखा देगा कि देखो जी मैंने मार दिए, मेरे में टैलेंट है। पर ऐसी इनिंग्स का क्या फायदा, आप मतलब प्रेशर बिल्कुल ही नहीं झेल पा रहे, आईपीएल का आप प्रेशर नहीं झेल पा रहे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट का आप कहां से प्रेशर झेलोगे। मतलब ईशान इज नॉट रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, जल्दी मौका दे दिया है मेरे ख्याल से, तो ईशान को इंडियन टीम से भी ड्रॉप करके थोड़ा 2-3 साल के लिए छोड़ दिया जाए कि और खेलो आप क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट और खेलो, आईपीएल वगैरह, और मेंटली स्ट्रांग होके आओ। इतना हर प्लेयर को बार बार समझाना पड़े, काउंसलिंग करनी पड़े,
तो फिर वो इंडियन टीम के लिए खेलने के लायक नहीं है इस वक्त। प्लेयर वो होना चाहिए जो खुद उसका माइंडसेट हो कि कब मुझे कैसा खेलना है, उसको खुद इतनी समझ हो। जैसे श्रेयस का हमने देखा है, सूर्य कुमार का देखा है, इनको कोई समझाता नहीं है, खुद ही ये खेलते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली ये लोग एक मेच्योर प्लेयर्स हैं आई थिंक, या तो ये बहुत यंग प्लेयर है, बट कोई फिर आपने यंग प्लेयर के तौर पे अगर देखे तो पृथ्वी शॉ भी तो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से खेलता है कि कम बॉलें लेके ज्यादा रन बनाना। तो हाँ आपने बहुत सही बात कही कि ईशान किशन को अभी डोमेस्टिक सर्किट पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए और शायद उसके बेसिस पे कुछ उसमें सुधार आ जाए। मुझे लगता है स्काई और तिलक वर्मा की भी गेम थोड़ी सी इसलिए खराब हुई है कि ये जो बाकियों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, ईशान, रोहित, पोलार्ड, तो ये भी शुरू में अच्छा खेल रहे थे बड़ा और काफी एनर्जी से खेल रहे थे, बट धीरे धीरे इनकी भी गेम में वो जोश सा कम हुआ है पिछले 2-3 मैचेस में। तो ये भी उसी वजह से है कि जो पूरी टीम ही अच्छा नहीं खेल रही। बिल्कुल 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 फर्क बिल्कुल पड़ता है और इन बैट्समैन पे फर्क पड़ा है। और आई थिंक इस बार ही शायद मुंबई के पास वो यूजुअली बुमराह के अराउंड 2-3 बॉलर्स होते थे, जो एक तो पांड्या ब्रदर्स होते थे हमेशा इनके पास, जो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ मिलती थी पांड्या ब्रदर्स से। बाकी बुमराह के अराउंड भी एक बॉलिंग लाइनअप में भी इनको काफी सपोर्ट मिलती थी, पर अब बुमराह इकलौते रह गए इन अवे। तो वो मतलब आप देखेंगे कि पिछला मैच भी जो लखनऊ से हारे हैं उसमें भी इन्होंने इनको रिस्ट्रिक्ट अच्छा कर दिया था लखनऊ को कम रन पे। 168 कोई एक 20-20 के लिए बहुत इजी टारगेट है, बट बैटिंग इनकी कोलैप्स कर गई तो इनको सीरियसली देखना चाहिए। और ये जो कुछ बातें उठ रही हैं, कुछ पुराने प्लेयर्स कह रहे हैं कि ग्रुपिज्म है, क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, अब क्योंकि टीम बुरी तरह हार रही है तो फिर इसलिए ये बातें तो उठती है। ग्रुपिज्म कैसे होगा? ग्रुपिज्म मोस्टली तब होता है कि दो सीनियर खिलाड़ियों के बीच होता है कि कैप्टनसी को लेके कुछ इश्यू हो, पर रोहित के अगेंस्ट यहाँ है ही नहीं कोई, कंटेंडर ही नहीं है कप्तानी में। मुंबई तो एज ए फ्यूचर कैप्टन ईशान किशन को देख रही है कि इसलिए इतने पैसे लगाए हैं कि फ्यूचर कैप्टन है हमारा, और शायद इसलिए रोहित बाहर नहीं बिठा पा रहा कि 15.5 करोड़ में लिया है मुंबई वालों ने और फ्यूचर कैप्टन है, तो फिर कैसे बाहर करूं। और जिसे एक टर्म होती है वैल्यू फॉर मनी निकालना, कि अब इतने पैसे दिए हैं तो जैसे लोग कहते हैं कि भाई अब खर्चा कर रहे हैं तो होटल में आए हैं, खर्चा कर रहे हैं तो सब कुछ खाएंगे। तो मुझे लगता है ईशान किशन में 15 करोड़ खर्चे हैं तो शायद ये सोच रहे हैं कि सारे मैच खिलाए इसे, भाई पैसे की वर्थ निकलवाए इससे। पर हाँ वो बात आप सही कह रहे हैं कि ये चीज़ इसमें थोड़ी सी अजीब चीज़ है कि इन्होंने सारे प्लेयर्स बिल्कुल प्लेयर्स रिटेन नहीं करे अपने ढंग के प्लेयर्स और सिर्फ ईशान किशन पे। हिटिंग स्ट्रेटजी भी काफी खराब रही जो इन्होंने इन्होंने आर्चर को लिया हुआ है 9 करोड़ में, जबकि ये पता ही था आर्चर तो इंजर्ड ही रहेगा, नहीं खेलेगा और खेलता भी तो इतने लंबे टाइम के बाद वो इंजरी से वापस आएगा, फिर भी 9 करोड़ खर्च कर दिया ऐसे प्लेयर पे। और इसके अलावा भी इन्होंने जो प्लेयर्स लिए, हालांकि इनका नाम नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट के है, पर अब जब लिया है तो या तो मौका भी दे, बिल्कुल ही उनको इस ये कह के मौका नहीं दिया कि नहीं इतने बड़े प्लेयर नहीं है, नाम नहीं है उनमें, तो नाम नहीं है तो फिर इतना लिया ही क्यों है उन्हें, तो लिया है तो भरोसा दिखाना चाहिए जब दूसरे प्लेयर्स अच्छा नहीं कर रहे। सो टीम सिलेक्शन इनका स्क्वाड सिलेक्शन भी गलत रहा और उसके बाद उनको मौका भी बिल्कुल नहीं दिया, ये भी गलत रहा। सो डिजास्ट्रस रहा है ये आईपीएल तो मुंबई इंडियंस के लिए भी, रोहित शर्मा के लिए भी। तो क्या लगता है कुछ अगले साल इम्प्रूवमेंट करके दिखा पाएंगे? हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल मतलब अब मैं सोशल मीडिया में देखूँ तो बहुत लोग कहते हैं कि अगले साल मुंबई शायद आईपीएल जीत जाएगी। अच्छा तो, फिर आईपीएल जीत जाएगी तो अगले साल कौन कप्तान होगा? रोहित तो नहीं होगा अगले साल तक, तो रोहित नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते इस वक्त। रोहित वही है ना कि इस वक्त रोहित इंडिया के भी कैप्टन है तो वो एक अनटचेबल वाली सीट पे आ गए हैं कि उनका कुछ, क्योंकि जिस दौरान कोहली इंडिया के कैप्टन थे तो आरसीबी हारती रहती थी फिर भी वो बने रहे। आरसीबी जो हारती थी तो प्लेऑफ में जाके हारती थी,
हाँ खैर ये भी इतनी भी बुरी हालत नहीं वो उसकी कभी यार। ऐसे नीचे नहीं रहती थी आरसीबी, कोहली के ऊपर यही रहता था कि भाई ये नॉकआउट स्टेजेस में हार जाती है, पर यहाँ तो रोहित अगर 14-0 का रिकॉर्ड बना देते हैं तो फिर तो दूसरा कैप्टन इन्हें अगली बार देखना पड़ेगा, और इनके सामने ऑप्शन सबसे बड़ी निकल के आएगी ईशान किशन, तो फिर तो मुंबई इंडियंस का भगवान ही मालिक है। सच में सच में सच में, फिर तो ये टीम लगता है इस साल का रिकॉर्ड दोबारा दोहरा देगी अगली नहीं, बार। इस साल का रिकॉर्ड तो दोहराना नामुमकिन सा रहेगा, इतना जबरदस्त ये रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए मुंबई इंडियंस की तो बात कर ली हमने, और भी कुछ आप बात करना चाहे इस आईपीएल में, आप देख रही है क्या चीज आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है, ये क्या आप कुछ कहना चाहे। वही एक अभी जैसे हम अभी ईशान किशन का कंपैरिजन मैं कर रहा था कि एक यंग विराट कोहली वाली बात, तो खैर यंग विराट कोहली तो बहुत टैलेंटेड थे, बट अब ये जो 34 ईयर ओल्ड विराट कोहली जो है, अब ये तो बहुत ही डिसमल फॉर्म में दिख रहे हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है, ये 0 पे आउट हो रहे हैं, डक पे आउट हो रहे हैं, और कुछ अच्छा नहीं खेल रहे। तो आपको क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप अब जो आ रहा है उसके लिए ये एक प्रॉबेबल हो है या इनको अभी रेस्ट देना चाहिए सच में? आप काफी डिप्लोमेटिक होके कह रही है रेस्ट देना चाहिए, पर जो आप कहना चाहते हैं वो ये है कि क्या इन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए। अच्छा, इन्हें टीम से निकाल देना चाहिए। अब देखिए फेयर बात मैं कहूं तो परफॉर्मेंस सामने है, कोहली इंडियन टीम में T20 की टीम में तो जगह डिजर्व नहीं करते जो भी ये परफॉर्मेंस चल रही है, और यही बात रोहित के लिए भी कह सकते हैं, बट रोहित इज द कैप्टन, और हाँ रोहित की कप्तानी में इंडिया के लिए तो अनबीटन रिकॉर्ड चल रहा है जब से ये दोबारा कैप्टन बने हैं, तो कोहली पर ही उंगली उठती है, तो कोहली प्लेस तो डिजर्व नहीं करते T20 स्क्वाड में वर्ल्ड कप में, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ नाम के भरोसे खिलाने के चक्कर में पिछला वर्ल्ड कप तो कोहली की कप्तानी की वजह से हार गए, ये वर्ल्ड कप कोहली की बैटिंग की वजह से हार जाए। तो सिलेक्टर्स को भी कुछ ब्रेव डिसीजन लेना होगा, थोड़ा फेयर डिसीजन लेना होगा, और उस हिसाब से तो फिर कोहली की जगह नहीं बनती अगर ऐसे ही खेलते रहे। राइट राइट राइट, बहुत बड़ी डेंजरस सिचुएशन बन गई है कि रोहित शर्मा भी एज अ बैट्समैन फेल हो रहे हैं, तो 2020 में विराट कोहली भी फेल हो रहे हैं, दो बड़े बैट्समैन जो हैं टीम के, जिनके कंधों पे दारोमदार होता है टीम का, और हम वो देखें फेल हो। तो ऋषभ पंत भी हालांकि बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, एवरेज है, पर बाकी विकेट कीपर्स कई हैं जो ऋषभ पंत से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है इस आईपीएल में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मेरे इनको ख्याल चांस मिल। से ऋषभ पंत शायद सिर्फ हम देखें तो दो विकेट कीपर से ज्यादा अच्छे खेल रही है, ऑब्वियसली एक तो ईशान किशन ही है और दूसरा शेल्डन जैक्सन, इनके अलावा बाकी विकेट कीपर्स पंत से ज्यादा अच्छा खेल रही है इस आईपीएल में हर टीम के। हाँ, मुझे लगता है KL राहुल को कीपिंग का एक कमांड देनी चाहिए इंडिया की, वो एक अच्छे बैट्समैन बन गए हैं, 3 सेंचुरी मार दी उन्होंने, शायद कीपिंग भी कर लेंगे तो एक और बैट्समैन क्लास में या एक और KL प्लेयर क्लास राहुल तो में। खैर है ही, पर मैं एक और विकेट कीपर बैट्समैन की तरफ आपका ध्यान लाना चाहूंगा, दिनेश कार्तिक। अगर आप ओ ध्यान दे यस, रही हो कि दिनेश कार्तिक इस आईपीएल में क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो तो आउट ही नहीं हुए अभी तक, आउट ही नहीं हुए। मिड हाँ मिड आईपीएल तक आते आते आउट ही नहीं हुए, स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर, यस, दिनेश तो कार्तिक रे दिनेश अगर यही फॉर्म जारी रखे बचे हुए आईपीएल में भी, सो दिनेश कार्तिक इज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर नंबर 7 पोजीशन एज ए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर। बिल्कुल बिल्कुल, दिनेश कार्तिक एक बड़े ट्रस्टवर्दी, मतलब निडाहास ट्रॉफी जो थी उसके अंदर जो उन्होंने मैच फिनिश करा था, तो एक अच्छे एक रिलायबल प्लेयर बन सकते हैं। वो तो मेमोरेबल मैच था, मेरा वन ऑफ द फेवरेट मैच था, हाँ सच और में, उस मैच को तो मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं मैं इंडिया को बांग्लादेश से हारते हुए नहीं देख सकता, मुझे अब बिल्कुल मजा नहीं आता, तो वो मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ हारा हुआ मैच जिताया था, तो मेरे तो दिनेश कार्तिक की वो वन ऑफ द फेवरेट इनिंग्स है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और उन्होंने जो भी जो कुछ लास्ट, प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रही है, एक हार्दिक पांड्या, तो क्या लगता है हाँ हार्दिक पांड्या टीम में वापसी कर सकती है?
हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पर मुझे तो समझ नहीं आता कि इनकी इंजरी का क्या मतलब वो है। वेस्टी इनकी तो इंजरी नहीं खत्म हो रही, अभी मिड आईपीएल इनको इंजरी हो गई थी, तो ये समझ नहीं आ रहा ये अवेलेबल भी होंगे टीम के लिए या नहीं होंगे, या यही अगर अवेलेबल चीज। हो गए भी तो फिर पिछले वर्ल्ड कप की तरह धोखा ही ना दे दे कि जी मैं तो बैटिंग ही कर सकता हूँ, बॉलिंग नहीं कर सकता। और बस एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये पांड्या किस पोजीशन पे खेल रहा है, नंबर 3 या नंबर 4 पे खेल रहा है? वो तो अपने लिए रन बना रहा है दिखाने के लिए कि मैं भी पॉइंट्स ये ऑरेंज कैप की लिस्ट में हूँ, टॉप 10 में, हाँ टॉप 5 में। पर आपको इंडियन टीम में थोड़ी नंबर 4 या नंबर 3 पे मौका मिलेगा, इंडियन टीम में आपको नंबर 6 पे मिलेगा। तो वहां पे, या चलो आप अपनी टीम के लिए भी खेल रहे हो तो नंबर 5 पे आओ, तो उस पोजीशन के आसपास आओ, वहां रन मारो तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो नंबर 3 4 पे आ रहे हैं, तो मे भी थोड़ा सा हम इनको ओवर एस्टिमेट भी शायद कर रही है इनके रनों को। हाँ वैसे तो इनको आप सही कह रहे हैं, इनको अपनी जो इंटरनेशनल पोजीशन जो है टीम के अंदर उस पर खेलना चाहिए जिससे उसकी प्रैक्टिस भी हो सके इन्हें। बट आई थिंक शायद ये कैप्टन है तो उस वजह से थोड़ा सा कर रहे हैं, शायद मौके का अपनी पूरा फायदा उठा रही है। का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ ये चीज है। मुझे हार्दिक पांड्या का मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है कि जिस तरह से सूर्य कुमार भी खेल रहे हैं, और मुझे लगता है शायद ये हो सकता है ये जो मुंबई का तिलक वर्मा है शायद इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं मे बी, क्योंकि जितनी अच्छी नहीं, फॉर्म में ये जा रहे बट हैं। तिलक ऐसे तो है, चलिए और भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, बट एक जो प्लेयर मुझे लग रहा है कि जो पिछले 2 सीजन से मैं देख रहा हूँ अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है इस सीजन भी, बट कोई उसका नाम भी नहीं लेता, कंसिडर ही नहीं करता इंडियन टीम के लिए, राहुल त्रिपाठी। आपने अच्छा अगर ध्यान दिया हो, हैदराबाद की टीम का, ये हर आईपीएल सीजन में अच्छा खेल रहा है, इस आईपीएल सीजन में भी। ये जर्सी के शाहिद कपूर जितना हो गए काफी हद तक कि नहीं, इनको। जर्सी के शाहिद कपूर तो अगर आपने मूवी देखी हो वो तो तेंदुलकर से भी ऊपर हो गए है। ये मैं नहीं कह रहा, मूवी में दिखाया है कि वो तो तेंदुलकर से भी बड़ा कोई टैलेंट है, तो वो तो खैर एक फिक्शन मूवी है। पर हाँ सही कह रहे हैं राहुल, राहुल पाठी, बिल्कुल बिल्कुल। इस प्लेयर को आपको क्या लगता है, इस प्लेयर को इस बार इनको वर्ल्ड कप के लिए लेके जाना चाहिए और मतलब अब प्लेइंग इलेवन? लेके जाने, लेके जाएंगे कैसे, क्योंकि सिर्फ 15 खिलाड़ी चुन सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो ये राहुल त्रिपाठी को ला सकते हैं, उसके लिए तो कोहली को भी बाहर बिठाना पड़ेगा, शायद आपको पंत को भी बिठाना पड़े, और हो सके तो रोहित को भी बिठाना पड़े, तब राहुल त्रिपाठी का नंबर आ सकता है स्क्वाड में। ये बिल्कुल मतलब एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से तो वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा, पर पर सबसे पहले हो तो जाएगा। इंडिया की और कई मैचेस है, तो पहले आप उन्हीं में ही एक बार इंडिया के लिए डेब्यू तो देके देखिए, एक सीरीज तो खिलाइए। हाँ, यस दिस इज इम्पोर्टेंट, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर तो दें कम से कम प्लेयर को। पर राहुल त्रिपाठी को खिलाने का मतलब है कि कोहली के लिए और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि श्रेयस ने नंबर 3 की पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाई सी कर ली है, इंडियन टीम के लिए दावा ठोक दिया है, सूर्य कुमार यादव भी है, उधर से आप राहुल त्रिपाठी को भी सीन में ले आएंगे तो फिर कोहली के लिए तो हाउसफुल वाली सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल, मेरे को वही बात आपसे पूछनी थी कि ये जो इतना चल रहा है कि कोहली को सो कॉल्ड रेस्ट देने वाली जो बात चल रही है, जिसको सोफेस्टिकेटेड और डिप्लोमेटिक तरीके से कहा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि एक बारी अगर गया है कोहली अगर बाहर तो फिर वो गया, मतलब फिर क्या ऐसी ऐसी कुछ चीज, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? एक्चुअली कोहली का अभी वनडे और टेस्ट टीम में तो प्लेस को कोई खतरा नहीं है, पर T20 टीम में मेरे ख्याल से डेफिनेटली खतरा है। वो काफी खराब परफॉर्मेंस दे रहा है T20 में, और T20 एक फास्ट गेम है, इसमें मतलब आप इतना आप टाइम नहीं ले सकते, या आप कुछ मैचेस में फेल हो गए तो एकदम से ही पब्लिक जज करती है। सो T20 में अगर ये जैसे रेस्ट लेगा तो मुझे लग रहा है T20 में फिर जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी, श्रेयस को दी जाएगी नंबर 3, और श्रेयस उसको ग्रैब कर लेगा पोजीशन, दावा तो ठोक ही दिया है नंबर 3 के लिए। सो रेस्ट लेने का मतलब है कि कोहली के लिए T20 में वापसी मुश्किल हो जाएगी। और ये मुझे लगता है कि जैसे पुजारा ने जो अप्रोच अपनाई है, काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यही मैं
कोहली से भी चाहता था कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे ध्यान देते, रणजी, विजय हजारे या काउंटी क्रिकेट, अपनी टेक्निक पे वर्क करते, पर रेस्ट लेने से मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ फायदा होगा, जैसे कईयों को लग रहा है कि रेस्ट लेने से इनको कुछ फायदा हो जाएगा। इनके गेम में टेक्निकल फ्लॉज आ गए हैं क्योंकि ये लगातार जो मैचेस है सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस ही खेल रही है और उसी में ये फेल हो रही है या नेट्स पे प्रैक्टिस करती है, तो वो टेक्निकली फ्लॉज जो है दूर नहीं हो पा रहे, जो थोड़ा सा कम लेवल की बॉलिंग खेल के लंबी इनिंग खेलेंगे एक कॉन्फिडेंस आएगा और गेम पहले जैसी होगी, वो बात नहीं आ पा रही, तो वो करने की इन्हें ज़रूरत है। बट कैसे करेंगे, अब बड़े खिलाड़ी है, थोड़ा ईगो भी होती है कि मैं इंडिया के लिए नहीं खेल रहा और मैं जी काउंटी खेलने चले जाऊं या मैं रणजी ट्रॉफी खेलूं। हाँ, एटलीस्ट इंडिया में जो कोहली और तेंदुलकर के लेवल का जो प्लेयर, खासकर जो पब्लिक जो इन्हें बना देती है, उसके बाद ये इनका इस तरह का कर पाना मुश्किल होगा। वैसे तो बड़े बड़े खिलाड़ी करते थे। नहीं, वैसे मैं कोहली को तेंदुलकर के लेवल का नहीं मानूंगा, तेंदुलकर तो हाईएस्ट लेवल के रहे, सो कोहली भी ओवरऑल देखे तो बढ़िया प्लेयर है, बट तेंदुलकर से नीचे ही मैं रखूंगा। हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए एक मैं बल्कि कुछ दिन पहले ये चीज सोच रहा था कि ये कहा जा रहा था कि कभी कहा जाता था कि जी सचिन ने जितने मैचेस में 5000 रन बनाए, कोहली ने उससे ज़्यादा कम मैचेस में बना दिए, तो बड़ा कंपैरिजन चलता था कि जी ये तो सचिन के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो आपको क्या लगता है, अब क्या लगता है कि अब इसको देखते हुए क्या ये आसपास भी पहुंच पाएंगे सचिन के रिकॉर्ड? नहीं, आसपास तो है ही नहीं, आसपास तो अभी भी नहीं है, तो कैसे इस तरीके से चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, लगता नहीं है। कुछ चमत्कार होना पड़ेगा कोहली की गेम में, पर लग नहीं रहा ऐसा चमत्कार होता हुआ, पर फिर भी ऑलरेडी काफी अच्छा अचीव किया है, 71 सेंचुरी, तो देखा जाए तो तेंदुलकर के बाद नंबर 2 पे कोहली ही है, पर लगता नहीं आसपास। अभी तो अगली सेंचुरी का ही इंतजार करते करते इनके डाई हार्ड फैंस भी अब कहने लग गए हैं कि जी कोहली को बाहर बिठा दो। रवि शास्त्री जो इनके सबसे बड़े सपोर्टर रही है, वो कह रही है कि रेस्ट ले लो, रेस्ट ले लो, हाथ जोड़ के कह रही है रेस्ट ले लो, क्योंकि वो भी देख नहीं पा रही है इतना फेल होते हुए कोहली को। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मुझे भी यही चीज लग रही है कि अब जब रवि शास्त्री ने इनको ये बात कह दी है तो अब तो विराट कोहली को कंसीडर करना ही पड़ेगा थोड़ा ब्रेक लेना। और इस आईपीएल से रिलेटेड आप कुछ कहना चाहे, कुछ पूछना चाहे? बस मैं तो फिलहाल तो जॉस बटलर का काफी सुन रहा हूँ कि वो कुछ अलग ही लीग में जा रहे हैं, वो तो मतलब वो जो रन बना रहे हैं वो कुछ बिल्कुल ही आक्रामक तरीके से अलग लेवल का सेंचुरी, 3 सेंचुरी मार दी है, बट उनके नजदीक राहुल भी पहुंच रही है, 2 सेंचुरी राहुल ने भी जड़ दी है। हाँ, वैसे अच्छा खेल रहे राहुल, मुझे लग रहा है कि जो ये पिचेस है ये बटलर कर रही है, क्योंकि ये मुंबई की पिचेस पे मैच खेल रही है ज्यादातर राजस्थान रॉयल, तो वहां की थोड़ी सी फास्ट बाउंसी पिचेस है, बॉल अच्छे से बैट पे आ रही है, तो बटलर को सूट कर रहा है और बटलर पूरा फायदा उठा के सारी कसर पूरी कर रहा है। जो टेस्ट मैच में बटलर रन नहीं मारते तो वो सारी कसर यहाँ पे वो निकाल रही है। आई थिंक बेसिकली एक बहुत अग्रेसिव बैट्समैन है, शायद इनको टेस्ट मैच में इनको दिक्कत होती होगी क्योंकि वो इनका प्लेइंग स्टाइल ही नहीं होगा शायद। नहीं तो खेले टेस्ट मैच में भी मार के खेले, किसने रोका है, अल्टीमेटली तो रनों से मतलब है। हाँ वैसे ये बात भी है, राइट राइट राइट। तो मुझे लगता है बटलर को ना थोड़ा स्विंग बॉलिंग खेलने में दिक्कत होती है, पर यहाँ पर इतना स्विंग हो नहीं रही, थोड़ा फास्ट बाउंस अच्छा आ रहा है तो इसमें सूट कर रहा है बटलर को। हालांकि इंग्लैंड के प्लेयर है, इंग्लैंड में तो बॉल स्विंग होती है, तो स्विंग बॉल से दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पर मैंने नोट किया बटलर को भी दिक्कत होती है स्विंग से, उधर से ये मॉर्गन इंग्लैंड का प्लेयर कप्तान, उनको भी दिक्कत होती है, और मैंने एरन फिंच का देखा है ऑस्ट्रेलिया के, वो भी स्विंग बॉलिंग नहीं खेल पाते, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग बात है कि ये इन अ कंट्री के प्लेयर्स को पेस बॉलिंग स्विंग बॉलिंग से दिक्कत होती है।
सच में ये एक अलार्मिंग बात है कि इनको तो यूज टू होना चाहिए जो कि ये और इंडिया के बैट्समैनों को पिछले कई सालों से स्पिन से दिक्कत हो रही है। ये तो बड़ा एक यूज टू चीज होती थी कि स्पिन तो इंडिया के बैट्समैन बड़े पसंद से खेलते हैं और बड़ा उस पर अच्छा स्कोर करते हैं, पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि हाँ ये चीज हो रही है स्पिन के लिए। हाँ पता नहीं क्या हो रहा है, ये बड़े अजीब सा ट्रेंड आ रहा है। आई थिंक 2020 ने शायद इस चीज का खराब कर दिया हिसाब। 2020 ने एक जो टेक्निक होती है बैट्समैन की वो शायद थोड़ी सी गड़बड़ा दी है। तो आपके हिसाब से अब मैं आपसे आपकी प्रिडिक्शन लूं इस आईपीएल की, सो किसको जितवा रहे हो, कौन जीतेगा, पिक योर टीम। आई वुड पिक लखनऊ। मुझे मुझे केएल राहुल की कैप्टनसी में काफी इंप्रेस कर रहे हैं राहुल, काफी इंप्रेस। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वो एक अपने मतलब यू नो आगे से अटैक कर रहे हैं, वो एज ए कैप्टन वो लीड कर रहे हैं टीम को। बट राहुल की टीम का आप देखो कि राहुल मार रहे बट बाकी प्लेयर्स तो इतना अच्छा नहीं खेल रहे बैट्समैन उनके। अगर चलो नॉकआउट तक पहुंच सकती है प्लेऑफ, बट अगर राहुल जिस मैच में जल्दी आउट हो गया तो क्या उनकी बैटिंग इतनी है कि अच्छा स्कोर मारेगी। अब यही चीज देखने वाली है कि क्या मतलब एक प्लेयर अगर कैरी कर जाता है तो क्या ये जो टीम जो उनकी उतनी अच्छी तरह से नहीं खेल रही बाकी, क्या वो लोग जाग जाते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ ही शुरू हो गया टूर्नामेंट का, तो क्या उनकी टीम के करते हैं। और so आप your, क्या प्रेडिक्शन देते, लखनऊ सुपर जायंट्स एज योर विनर। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और आपकी प्रेडिक्शन क्या? आई एम पिकिंग राजस्थान रॉयल्स। ओके ओके, व्हाट आपकी क्या रीजन की वजह से? जॉस बटलर? नहीं, जॉस बटलर तो खैर है ही और परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, बट मुझे ना एक हिडन रीजन लग रहा है, शेन वॉन की जो डेथ हुई है, तो शेन वॉन इनके मेंटोर थे राजस्थान रॉयल्स के, और राजस्थान पहला अपना आईपीएल ट्रॉफी भी शेन वॉन की कैप्टनसी में जीती, और शेन वॉन ही इनके कोच मेंटोर रहे हैं, तो कहीं पे मुझे लगता है एज ए ट्रिब्यूट में भी एक हिडन इनके अंदर मोटिवेशन है, डिजायर है, देखो इस साल ज्यादा अच्छा खेल रही है, तो जो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, शो नहीं किया, बट एक अंदर से जैसे मोटिवेशन होती है दैट वी वांट टू डू इट फॉर शेन वॉन एज ए ट्रिब्यूट टू शेन वॉन। तो मुझे लग रहा है कि प्लेऑफ्स में ये थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, थोड़ा ज्यादा स्पिरिटेड परफॉर्मेंस और देंगे, सो दैट्स व्हाई आई एम पिकिंग राजस्थान रॉयल्स। ओके ओके, लेट्स होप लखनऊ और राजस्थान का फाइनल हो। इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बड़ा मजा आया। ऑलराइट।